पहले ही बारिश से लोगों का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। बारिश की वजह से टर्मिनल वन की छत गिर गई है। इस हादसे में एक कार छत के नीचे दब गई। इस घटना में 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां भेजी गई हैं। फायर ब्रिगेड टीम के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल वन की छत का एक हिस्सा टैक्सियों समेत कारों पर गिरने से 6 लोग घायल हुए हैं। क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई और ना फंसा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी ढह गई है, जिससे कि टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तस्वीर अपने आप में चौंका देने वाली है कि शुरुआती बारिश, मॉनसून तो अभी शुरू हुआ है और शुरुआती बारिश में इतना बड़ा हादसा हो गया। एक कार नीचे दब गई है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है, क्रेन के मदद से उन गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। गलियों का हाल बुरा तो दूसरी तरफ ये तस्वीर देखने को मिली। तो दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने अपना रंग दिखा दिया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार तड़के झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। गर्मी से राहत तो मिली है और दिल्ली एनसीआर का मौसम काफी सुहाना हो गया है। शुक्रवार की सुबह जब दिल्ली वासियों की नींद खुली तो सड़कों पर जन सैलाब दिखा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी आ गया है, गाड़ियां डूब रही हैं, कुछ जगहों पर अब ट्रैफिक की समस्या हो रही है। सड़कों पर अब पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि आज दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ट्रैफिक देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले इसी पानी के लिए लोग तरस भी रहे थे, पानी नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा आतिशी को भी, जो कि प्रदर्शन करती नजर आई थी और अनशन पर बैठ गई थी। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। और अब ये दिल्ली की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ अब पानी ही नजर आ रहा है और ये बारिश का पानी जो कि जाम हो चुका है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली वासी बहुत तरस रहे थे पानी के लिए और अब इतना पानी हो गया कि परेशानी हो रही है। अब निश्चित करके आपने बहुत सटीक शब्दों में अपने बातों को बताया है कि दरअसल जिस तरह से राजधानी दिल्ली की हाल अगर मैं देख रहा हूं तो कई इलाकों की अगर बात करें तो जिस इलाके में लोग अभी पानी पानी कर रहे थे अब फिर से पानी पानी कर रहे हैं। पानी पानी का मतलब इस बार मैं अभी इस वक्त में बताना चाहूंगा, मैं साउथ दिल्ली के संगम विहार देवली इलाके में घूम रहा हूं और इस इलाके में जब पिछले कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर के लोग पानी की डिमांड को लेकर यहाँ पर काफी हो हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। हाँ। लेकिन अब इस इलाके में पानी भर चुका है और बारिश की लगातार सुबह से हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर काफी जल जमाव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रहा है। तो कई स्कूलों के जो वैन है वो कैंसिल कर दिए गए और इसके साथ साथ जो लोग जो है जो आम ड्यूटी जाना और दुकान में अपने जाना, उन सब चीजों का जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है और सड़कों पर लगभग घुटने से ज्यादा पानी आ चुका है। तो कई ऐसी सड़कें हैं और इस वक्त में मैं जो साउथ दिल्ली का जो संगम विहार और देवली का इलाके की अगर बात करूं तो ये इलाका जो है कहलाता जरूर है साउथ दिल्ली, लेकिन इस इलाके में जल जमाव की इतनी गंदी स्थिति हो चुकी है कि लोग अब जो है भगवान से ही कह रहे हैं कि इतनी बारिश क्यों। वाकई में शंकर, और ये सोचने वाली बात है कि देश की राजधानी जहाँ पे बड़े वीवीआईपी रहते हैं वहां का ये हाल है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और शंकर, वैसे हर साल इसी तरह के हालात होते हैं लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एयरपोर्ट पर जो छत गिरी है उससे कितना नुकसान हुआ है? एयरपोर्ट पर वो हादसा एक बड़ा हादसा है क्योंकि जिस तरह से वहां पे अचानक वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो जिस तरह से बकायदा जो चल रहा था उसी दौरान में जिस तरह से अचानक वहां पर कुछ लोहे के जो बोल्डर्स हैं बकायदा वो नीचे गिरे, जिसकी वजह से 6 लोग जो है वो अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो स्थिति है वो स्थिति काफी भयावह है क्योंकि कई जो गाड़ियां जो वहां पे खड़ी थी, जो कार जो है वो वहां पे मौके पे थी, तो उस कार के ऊपर में
वो लोहे के बोल्डर जो है बकायदा वो गिरे हैं। हालांकि स्थिति इतनी भयावह है जिसको देख करके उसे सामान्य तौर पे टेलीविजन पे भी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी वीडियोस देखने को मिले हैं कि एक शख्स कार में बैठा हुआ है और उसके ऊपर ये बोल्डर गिरा हुआ है, तो वो शख्स जो है बेहद गंभीर हालत में है और उसको निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मौके पे 6 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंची हैं और राहत और बचाव कार्य को इस वक्त में अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान में किस तरह से वो ये जो लोहे का जो बोल्डर है वो गिरा है, तो ये भी अब मामला तफ्तीश का है और इस मामले की बाद में तफ्तीश की जाएगी। लेकिन एक बड़ी राहत की बात कही जा सकती है कि उस घटना में बहुत ज्यादा लोग जख्मी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये हादसा जो है सुबह में 5 से 5:30 बजे के बीच का है। उस वक्त में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है सामान्य तौर एयरपोर्ट पर, उसमें भी टर्मिनल 1 पे उस वक्त में भीड़ नहीं होती है। लेकिन वही अगर हादसा अगर बाद में हुआ होता तो निश्चित तौर पे कि बड़ा हादसा हो सकता था। 9-10 बजे के करीब अगर शायद हुआ होता तो वाकई में आप सही कह रहे हैं कि ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अभी भी कुछ लोग दबे हैं जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे हम ग्वालियर की भी। ग्वालियर में भी मॉनसून की जो पहली बारिश है वो बहुत तेज हुई है। 4 घंटे में 49 मिलीमीटर पानी बरसा है। जून महीने में कुल 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कहीं कहीं पर परेशानी भी हो रही है लोगों को। भिंड में भी तेज बारिश हुई है और बारिश के चलते शहर तरबतर हो गया है। पिछले कई दिनों से लोगों का गर्मी से हाल बेहाल था। करीब 2 घंटे हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है कि गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पारा भिंड की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा था गर्मियों में और करीब करीब 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 तक भी भिंड में पहुंच चुका था। सबसे गर्म शहर भिंड देखा गया कई बार। और ऐसे में अब जब बारिश हुई है यहाँ पर तो लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिल रही है कि अच्छी बारिश ने मौसम में गिरावट दर्ज की है और ऐसे में गर्मी से राहत मिली। तो ग्वालियर में मॉनसून की पहली बारिश ने नगर निगम के इंतजामों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने और बड़े नालों की सफाई न होने की वजह से बारिश का जो पानी है वो शहर में भर गया है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया है। ये तस्वीर आप देखिए, घुटनों तक पानी आ रहा है। अब लोग जाए तो जाए कहां, गाड़ियां खराब हो रही हैं। और ये तस्वीर ग्वालियर की। जबलपुर में पहली बारिश में सड़क से लेकर घरों के अंदर तक पानी घुसा है और पानी पानी संस्कारधानी हो गई है। बारिश के दौरान कई कॉलोनियों में घरों के अंदर पानी घुसा है, घरों में रखा सामान पानी में भीग चुका है और आधे घंटे की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में ये तस्वीरें देखने को मिली और घरों में पानी भरने की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। बस्तर में मानसून की दस्तक के साथ ही जमकर बदरा बरसे हैं। झमाझम बारिश होने से जहां मौसम खुशनुमा हुआ है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, साथ ही लोगों को उमस से राहत मिली है। बलरामपुर में भी बदरा जमकर बरसे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं, बस्तर से लेकर बलरामपुर तक बारिश ही बारिश। और ऐसे में किसानों के लिए खुशी की बात है, लंबे समय से बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से खेती बाड़ी में भी समस्याएं हो रही थी और बिजली नहीं होने की वजह से पानी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे किसान। लेकिन अब सीधे जो ये बारिश है वो किसानों के लिए राहत की खबर। जगदलपुर में भी बारिश से निगम की पोल खुल गई है। नाली का कचरा सड़कों पर फैल गया है, सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। धर्मपुरा इलाके के कई हिस्सों में पानी भरा है और हालात जस के तस बने हुए हैं। तो नाली का कचरा सड़कों पर फैला है, जगदलपुर की तस्वीर आप देख रही हैं। घरों में पानी घुस चुका है, कई जगहों पर तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं होने की वजह से, और ड्रेनेज सिस्टम कहीं कहीं पर होता भी है तो नाली की सफाई समय समय पर नहीं होती और इसीलिए पानी हर जगह भर जाता है और कचरा बाहर निकल कर आ जाता है जो कि घरों तक चला जाता है। इसलिए लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा होने लगती है और हल्की सी बारिश ने कई कई जगहों पर तो निगम की पोल खोल दी। श्रीनिवास नायडू संवाददाता जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ हैं।
सुशील, सबसे पहले तो ग्वालियर की बात करूंगी क्योंकि यहां पर बहुत बुरा हाल है। ग्वालियर में कई जगहों पर निगम की पोल खुल गई है, बारिश शुरू ही हुई है अभी, तो ये हाल है। आगे आगे मानसून जब कंटिन्यूटी में रहेगा तब क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर शहर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब है, अधिकांश इलाकों में नालियां नहीं है। और इसके अलावा इस साल जो मानसून के पहले तैयारी करना थी नगर निगम को, वो भी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी। बड़े नालों की सफाई वक्त पर नहीं हो पाई, बड़ी नालियों की सफाई नहीं हो पाई। यही वजह है कि जब मानसून की पहली आमद हुई ग्वालियर शहर में और करीब 48 मिलीमीटर पानी बरसा एक ही दिन में, तो नगर निगम के दावों की पोल खुल गई और सारा जो सीवर सिस्टम और खराब नालों के चलते जो बारिश का पानी था वो शहर में जमा हो गए, जल जमाव के हालात बन गए। चाहे चेतकपुरी हो या शिंदे की छावनी हो, नदी गेट इलाका हो या फिर सिटी सेंटर के इलाके हो, इन इलाकों में पानी घुटनों घुटनों तक सड़कों पर आ चुका था। इसके अलावा नालियों का गंदा पानी भी निचली बस्तियों में भरने लगा था। और यही वजह है कि जब थोड़ी सी बारिश हुई तो उस बारिश में इस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नगर निगम के अधिकारी हर बरसात में यही कहते हैं कि अगली बार एक अच्छा प्लान बनाएंगे ताकि शहर में पानी की निकासी हो पाए और बारिश के दौरान जल जमाव के हालातों से बचा जा सके। आपको ये भी बता दें कि अब जिस तरह से बारिश हुई है और जल जमाव के हालात बनने लगे हैं, तो अब आप देखिए डेंगू का भी प्रकोप शुरू होगा। कल ही डेंगू की एक पॉजिटिव मरीज निकली है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लापरवाहियाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में ये परेशानियाँ जो है अब डेंगू जैसी बीमारियों में तब्दील होगी। तो निश्चित तौर पर जो पहली बारिश हुई है उसके बाद नगर निगम के इंतजामों की पोल खुली, आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालत बनेगी। जब थोड़ी सी बारिश होगी तो बारिश के दौरान ही जो है जल जमाव के हालात इन शहरों में बनेंगे। बिल्कुल सुशील, वाकई में, और ऐसे में निगम की जो पोल है वो खुलकर रख गई है। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, छत्तीसगढ़ का हाल बताइए, यहाँ पर किस तरीके से जो मानसून है उसने कहर बरपाया है? जगदलपुर में भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं पहली बारिश में ही। जी बिल्कुल, बस्तर में इस बार मानसून काफी देर तक रुलाया है। 15 जून के आसपास अमूमन बारिश बस्तर में पहुंच जाता था, लेकिन इस बार बारिश काफी समय बाद आया है। क्योंकि बस्तर संभाग में कल की जो बारिश हुई है काफी अच्छी बारिश हुई और किसानों को काफी इंतजार था अच्छी बारिश से, क्योंकि किसानों ने पूरी तैयारी कर ली थी और कल के बारिश के बाद किसानी अब खेती काम में जुट जाएंगे। लेकिन इस बारिश ने निगम की पोल जरूर खोल के रख दी है। निगम सरकार का ने जो दावा किया था साफ सफाई को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, कि पूरी नाली की सफाई की जा चुकी है, बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कल देर रात में जो बारिश हुई है उससे निगम की पोल जरूर खोल दी है। पूरे नाली का जो गंदा पानी सड़कों में आ गया, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि निगम सरकार जो दावा करती है कि हम बारिश के पहले सभी नालियों को सफाई कर दिए हैं, लेकिन जो बारिश पहली बारिश में यह हाल दिखने लगा, अभी तो आगे बारिश और भी होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि निचली बस्ती में पानी जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बस्तर की बात करूं तो बस्तर के 15 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनती है। बकाउन उड़ीसा से लगा हुआ ये 15 गांव है जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। क्योंकि इंद्रावती और वहां से जो नदी है वहां से संगम है वो वहां का पानी सीधा बस्तर में पहुंच जाता है, जिसके चलते हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि प्रशासन ने क्या तैयारी की है, क्योंकि गाँव काफी अंदरूनी इलाका है और ऐसे में जो बारिश है आने वाले दिनों में क्या अपना रूप दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई में इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि निगम की तरफ से क्या व्यवस्था है। लेकिन सुशील, ग्वालियर की अगर बात करें तो ये क्या जून में पिछले साल इतनी तेज बारिश हुई थी क्या जो अभी दर्ज की जा रही है? देखिए, इस साल जून में भी बारिश अगर बात करें तो 80 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है और बारिश का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मानसून ने दस्तक दी है और दस्तक देने के साथ ही 48 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। अभी भी बादल छाए हुए हैं और निश्चित तौर पर जून में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। जून में बारिश का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 85 मिलीमीटर के आसपास औसतन बारिश होती है हर साल जून में। पिछले साल जून में भी बरसात हुई थी, लेकिन जो जून में बारिश हुई थी पिछले साल वो इस बार से कम थी। इस बार मानसून जब आया है तो मानसून ने तेज़ी से दस्तक दी है और अभी जो दो तीन दिन का समय बचा है इन दो तीन दिनों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जो बारिश होगी तो लोगों की परेशानियां तो बढ़ेगी ही सही, क्योंकि अब नगर निगम के पास कोई इंतज़ाम या वक्त भी नहीं है कि वो इस दौरान जो है नालों की या फिर जो ड्रेनेज खराब सिस्टम है उस सिस्टम की सुधार करवा के लोगों को राहत दे सके। तो निश्चित तौर पर अभी जब बारिश होगी
तो लोगों को जल जमाव और जो सड़कों की बदहाली है पानी को लेकर, उनसे जूझना पड़ेगा। नालियों का पानी निचली बस्तियों में भरेगा, वो भरेगा ही सही। अब नगर निगम सिर्फ इतना ही करेगा कि जहाँ जल जमाव के हालात होंगे वहाँ पहुँचकर जो है जल की निकासी का काम करेगा, लेकिन स्थायी अगर पानी की निकासी शहर से व्यवस्थित होगी तो ही बारिश का जो जल जमाव का जो समस्या है उससे निजात मिल पाएगी। बिल्कुल श्रीनिवास, यहाँ पर जगदलपुर की अगर बात करें तो क्या ऐसी ही बारिश पिछले साल जून में दर्ज की गई थी? श्रीनिवास, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? श्रीनिवास से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, सुशील आपका भी, श्रीनिवास आपका भी। तो अभी बारिश जो है, पहली बारिश ने ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश एक तरफ दिए जा रहे हैं, निगम की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। अमूमन निगम ने आज तक कितने कार्य किए हैं ये पता चलता है बारिश के मौसम और इस तरह के मौसम में ही, कि क्या व्यवस्थाएं हैं।